अगर आप ऊर्जा के इस आयाम को सक्रिय करते हैं तो जीवन के अन्य आयाम खुल जाएंगे एक चीज ये है कि क्या आप उन आयामों के लिए तैयार हैं कुंडलिनी योग मूल रूप से सबसे जोखिम भरा योग है मैं जोखिम भरा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह सबसे शक्तिशाली भी है अगर आपको गहरी खाई में कूदना है तो या तो आपको पागल होना चाहिए या आपको किसी पर जबरदस्त भरोसा होना चाहिए तो कुंडलिनी क्या है अभी मैं बोल रहा हूं यह कुंडलिनी है आप सतर्क हैं और सुन रहे हैं अगर आप सतर्क होकर सुन रहे हैं ये कुंडलिनी है एक फूल खिल रहा है वो कुंडलिनी है एक कुत्ता भौंक रहा है वो भी कुंडलिनी है या दूसरे शब्दों में अस्तित्व की मौलिक जीवन शक्ति को हम कुंडलिनी कहते हैं अब सिस्टम के भीतर मानव प्रणाली के भीतर अगर आप इसे एक तरह के जीवन पैकेज के रूप में देखें तो यह जीवन का एक टुकड़ा है जीवन का यह टुकड़ा एक खास तरीके से इस ऊर्जा की परतों के साथ पैक किया गया है ऊर्जा का एक आयाम तुरंत जीवित हो जाता है क्योंकि यह आपके अस्तित्व की प्रक्रिया के लिए जरूरी है ऊर्जा के अन्य आयाम तब तक जीवित नहीं होंगे जब तक आप उनके बारे में कुछ नहीं करते जब तक आप उनके बारे में जागरूक नहीं हैं और उन्हें एक खास तरीके से सक्रिय नहीं करते तब तक वे अस्तित्व में नहीं आते वे शांत रहते हैं निष्क्रिय ऊर्जा उस ऊर्जा से बहुत बड़ी है जो अभी उपयोग में है अपना जीवन चलाने के लिए एक भौतिक जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए एक पूर्ण भौतिक और बौद्धिक जीवन जीने के लिए आपको चक्रों में से बस एक किस चक्रों को सक्रिय करना जरूरी है इन 114 में से अगर 21 सक्रिय हैं तो आप पूरा जीवन जिएंगे। आप किसी भी कमी को महसूस नहीं करेंगे आप एक पूरा भौतिक जीवन जिएंगे। आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी आप सोचेंगे कि आप एक बड़ी सफलता हैं, लेकिन आप केवल 21 हैं जो कि 21 प्रतिशत से कम है 114 में से 20 प्रतिशत से कम बीस प्रतिशत से कम में भी आप बिना किसी कमी के पूर्ण जीवन महसूस करेंगे जीवन का बाकी प्रतिशत वो किस बारे में है अगर आपका इरादा सिर्फ अच्छे से जीने का है तो इसकी जरूरत ही नहीं है अगर आप ऊर्जा के इस आयाम को सक्रिय करते हैं तो जीवन के अन्य आयाम खुल जाएंगे एक बात यह है कि क्या आप उन आयामों के लिए तैयार हैं सवाल यह नहीं है कि यह अच्छा है या बुरा सवाल यह है कि क्या आप उसके लिए तैयार हैं क्योंकि भले ही सबसे अच्छी चीजें आपके जीवन में आए पर आप उनके लिए तैयार ना हो तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा आपके अनुभव में यह अच्छा नहीं होगा अगर कुछ आपके पास तब आया जब आप उसके लिए तैयार नहीं थे है कि नहीं अगर यह सबसे बड़ी चीज हो तो भी शायद यह सबसे बड़ी चीज हो पर यह तब आई जब आप तैयार नहीं थे तो यह अच्छी बात नहीं है है ना तो क्या आप तैयार हैं यह पहला सवाल है अगर आप तैयार हैं तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं हम इसे कैसे सक्रिय कर सकते हैं ऐसा करने के कई तरीके हैं कई कई तरीके लेकिन कुंडलिनी योग कुंडलिनी योग कुंडलिनी योग अभ्यास से लोग परिचित हैं ठीक है कुंडलिनी योग मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कुंडलिनी योग मूल रूप से सबसे जोखिम भरा योग है मैं जोखिम भरा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह सबसे शक्तिशाली भी है सबसे शक्तिशाली हमेशा सबसे खतरनाक भी होता है अगर गलत तरीके से किया जाए तो अभी दुनिया में कई प्रकार की ऊर्जाएं हैं बिजली को भी कई अलग अलग तरीकों से पैदा किया जा रहा है एक तरीका है कि हम इसे परमाणु रिएक्टरों के माध्यम से करते हैं यह ऊर्जा उत्पादन का सबसे कारगर तरीका है जिसे हम अभी जानते हैं लेकिन यह सबसे खतरनाक तरीका भी है है ना जब चीजें गलत हो जाती हैं तो वे गंभीरता से गलत हो जाती हैं जब चीजें सही होती हैं तो यह दुनिया में ऊर्जा का उत्पादन करने का वाकई सबसे आसान और अच्छा तरीका है परमाणु ऊर्जा लेकिन जब यह खराब हो जाता है तो ये वास्तव में इस तरह खराब हो जाता है कि आप इसे ठीक नहीं कर सकते कुंडलिनी योग भी ऐसा ही है यह सबसे शक्तिशाली है पर यह सबसे खतरनाक है जरूरी तैयारी और मार्गदर्शन के बिना विशेषज्ञ मार्गदर्शन निरंतर मार्गदर्शन और देखरेख के बिना किसी को कभी इसका प्रयास नहीं करना चाहिए पर समस्या यह है कि इस पर किताबें लिखी गई हैं और सभी उच्चतम योग करना चाहते हैं कोई भी ऐसे शुरू नहीं करना चाहता सब जी के साथ वर्णमाला शुरू करना चाहते हैं यह रवैया अपने आप में ही खतरनाक है जो शक्ति जीवन में परिवर्तन ला सकती है वो जीवन का विनाश कर सकती है सिर्फ इसलिए कि जरूरी प्रतिबद्धता समर्पण ध्यान और समझ के बिना इसे किया जा रहा है कुंडलिनी ऊपर उठने से अगर कुंडलिनी ऊपर उठती है तो आपके जीवन के आयाम इतनी तेजी से बदलेंगे कि आपको बाहर भी जल्दी बदलाव लाने के लिए तैयार होना चाहिए वरना अदरवाइज चीजें बड़े पैमाने पर बिखर जाएंगी शास्त्रीय यौगिक परंपराओं में हम पारिवारिक स्थितियों में रहने वाले लोगों को एक प्रकार का योग सिखाते हैं एक अन्य प्रकार का योग है जो हम तपस्वियों को सिखाते हैं ईशा में हमारे पास दोनों रूप हैं हमारे पास तप योग है और सामान्य योग भी है हम आपको तपस्वी योग कभी नहीं सिखाएंगे यह योग का सबसे शक्तिशाली तरीका है लेकिन इसमें अनुशासन और फोकस की जरूरत होगी जो आप अपने सामान्य जीवन में नहीं कर पाएंगे अगर आप उस तरह का योग करते हैं तो यह आपके बाहरी जीवन को तुरंत तोड़ फोड़ देगा अब यह योग आपके जीवन में जोड़ तोड़ करने के लिए नहीं बनाया गया है यह आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है जब जीवन बेहतर होता है जब चीजें बेहतर होती हैं आप अधिक पैसा कमाते हैं आपका बिजनेस बेहतर हो रहा है आपका पेशा बेहतर हो रहा है आमतौर पर दुर्भाग्य से परम की तलाश करने की आपकी लालसा धीमी हो जाती है हा तो वास्तविक अर्थों में यह तरीका अच्छा नहीं है पर यह आज की दुनिया में काम करने का एकमात्र तरीका है और यह एकमात्र तरीका है जो अधिकांश लोगों के लिए कारगर होता है बहुत कम लोगों के लिए हम इसे अन्य तरीकों से कर सकते हैं हम इन सभी चीजों को दरकिनार कर सकते हैं और बस बहुत ही शक्तिशाली तरीके से काम कर सकते हैं पर यह उनके आसपास के सभी सामाजिक ढांचों को खत्म कर देगा जो हर किसी के लिए अच्छा नहीं है तो ये विभिन्न आयाम है अगर कुंडलिनी योग का अभ्यास करना है तो आपको एक निश्चित प्रकार के वातावरण में होना चाहिए आप सामाजिक परिस्थितियों में रहकर कुंडलिनी योग नहीं कर सकते वरना कुंडलिनी योग के नाम पर आप कुछ सरल कर रहे हैं क्योंकि कुंडलिनी योग आपको कुछ दिनों के भीतर बदल सकता है अचानक अभ्यास के दो दिनों बाद ही आप अपने ही घर में एक अजनबी की तरह महसूस करेंगे क्योंकि यह आपके बारे में सब कुछ बदल देगा क्या हम कुंडलिनी ऊंचा उठा सकते हैं हां हम कर सकते हैं एक तरीका यह है कि मददगार माहौल बनाया जाए ताकि यह धीरे धीरे बढ़े दूसरा तरीका इसे इस तरह भड़काना है कि यह जल्दी से बढ़ जाए अगर यह जल्दी से बढ़ जाती है तो सब कुछ नाटकीय रूप से बदल जाता है अगर यह धीरे धीरे बढ़ती है तो बदलाव धीरे धीरे होगा आप समय के साथ बदलाव संभाल पाएंगे लेकिन अगर ये बहुत जल्दी होता है तो आप बदलाव संभाल नहीं पाएंगे ऐसा लगेगा जैसे चीजें बिखर रही हैं तो ऐसा करने के अलग अलग तरीके हैं कितने तरीके हैं बहुत सारे तरीके हैं मैं सभी तरीके नहीं बताऊंगा ऐसा करने के कई तरीके हैं मूल रूप से इसे करने के 112 तरीके हैं 112 तरीके हैं जिनसे आप इसे अपना सकते हैं आधार से ओ इसके लिए आपको ढांचे को जानना होगा वरना यह बहुत लंबा हो जाएगा इन 114 चक्रों में से सात ऐसे हैं जिन्हें हम सात आयामों के रूप में पहचानते हैं इनमें से छह शरीर के भीतर हैं एक भौतिक शरीर के बाहर है इसलिए अगर आप इन 112 तरीकों को अपनाते हैं तो आप छह चक्रों को संभाल लेंगे सातवें को आप संभाल नहीं सकते 112 तरीके हैं जिनसे आप एक चक्र को प्राप्त कर सकते हैं जिसे हम आग्ना कहते हैं लेकिन आगना से सहस्त्रार तक कोई रास्ता नहीं है इसका कोई तरीका नहीं है आपको बस एक खाई में कूदना है अगर आपको खाई में कूदना है तो आपको पागल होना चाहिए या आपको किसी पर जबरदस्त भरोसा होना चाहिए कोई व्यक्ति कूदो कहता है और आप कूद रहे हैं क्योंकि आपको किसी पर इतना गहरा भरोसा है लेकिन जब वो जंप कहता है तो यह आपके लिए अच्छा ही होगा आप बस एक बिना तल के गड्ढे में कूद जाते हैं तो मूलाधार से आग्ना तक की यात्रा वहां पहुंचने के 112 रास्ते हैं पर वहां से वहां तक कोई रास्ता नहीं है यह सिर्फ एक छलांग है वो विश्वास में भक्ति में या पागलपन में हो सकता है चुनना आपको है